हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आ गए एक और न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आपके लिए। अरे आपको क्या हुआ बेबी, क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ, मम्मी इसको डांटी है। सुबह सुबह डांट खाने की आदत क्या है बेबी तेरे को? बेबी क्यों? इसका चेहरा देखो कैसी दिख रही है बेचारी। तो गाइस मैं क्या बोल रहा था, आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गर्मा गर्म चाय से। गर्मा गर्म तो नहीं रही लगता, हाँ थोड़ी सी है, थोड़ी सी है। आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गर्मा गर्म चाय से, थोड़ी गर्मा गर्म, क्योंकि मैं बहुत लेट उठा। 9:30 हो गया यार, मैं इतना लेट उठा हूँ आजकल। पता नहीं मैं इतना लेट क्यों उठने लगा हूँ, क्योंकि ना एडिटिंग करते हुए मेरे को टाइम लग जाता है, 12 बजे करीब एडिटिंग खत्म होती है, फिर मैं लेट उठता हूँ। और ठंड में बहुत है, कौन उठेगा इतना ठंडी ठंडी, वो तो बहुत बड़ी बात है। तनु और पापा दोनों चले जाते हैं ठंड में सुबह सुबह घर से गायब। मैं जब भी उठता हूँ दोनों मेरे को घर से गायब दिखते हैं, क्योंकि रन्नू जाती है स्कूल में और पापा जब सुबह निकल जाते तो फिर घर ही नहीं आते, घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते। किसी दिन मैं वो जल्दी उठ जाऊं तो मैं उनके साथ घूमता हूँ, फिर मम्मी हमको बोलती है घूमते रहोगे पेट्रोल खर्च करोगे बस जलाते रहो। अभी थोड़ा धूप हो चुका है और आपको लग रहा हूँ मैं तौलिया को पकड़ा हूँ, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ नहाने। देखो धूप भी बढ़िया निकल गई, तो थोड़ा ठंडी भी कम लगेगी। बेबी नहा लिए, मम्मी नहा लिए, पापा भी नहा लिए। तो आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे रिश्तेदार हैं उनके पास। मम्मी को आज बहुत खुशी हो रही है, तब तो आप समझ गए होंगे मम्मी के कुछ रिलेटिव है एकदम करीबी। तो अभी नहीं बता रहा मैं, अभी पहले मैं नहा के आ जाऊँ, लेट हो जाएगा फिर मेरे को। इस फटाफट से मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। One eternity later. अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और मम्मी पापा सब रेडी हो गए हैं। पापा मम्मी मैं सिर्फ जा रहे हैं हमारे मौसी के यहाँ। तो मौसी हमारी जो है वो चुनाव में खड़ी है, तो हम उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं। और आज भिलाई सेक्टर का चुनाव है, तो वहीं पे हम भी जा रहे हैं। तो हमारे बच्चा पार्टी लोग घर में रहेंगे। बेबी रह लेगी ना? रह लेगी? डरेगी तो नहीं? क्योंकि तो बेबी मम्मी पापा के लिए रोती है रोती है रोती है। तो गाइस ये रहा हमारा स्टिक, और इसका नया वो हमने लगवा लिया था कल, बहुत बढ़िया है ये। तो हमारे फोन की सेफ्टी हो जाएगी, ये समझ लो हमारे फोन का इंश्योरेंस है। और मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग किन के यहाँ जा रहे हैं। आपने देखा होगा हमने छठ पूजा गए थे, हम छठ पूजा के लिए गए थे, तब हमने आपको सारी मौसी से मिलाया था। तब मम्मी की सेकेंड नंबर वाली बहन, मतलब मेरी मौसी, उनके यहाँ हम जा रहे हैं। वो खड़ी है चुनाव में भिलाई के, तो हम उनके तरफ से उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो गाइस आप भी वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे न्यू हो तो कर देना सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ मम्मी पापा नीचे आते हैं, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, फिर हम लोग सीधा वहीं पहुँच के आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पे न्यू हो तो कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। अभी मैं जा रहा हूँ एक्टिवा से, अभी मैं पहुँच चुका हूँ गोल मार्केट, और मेरे पीछे है यहाँ का मंदिर। और मम्मी हमारी मौसी के साथ खड़ी है उनको सपोर्ट करने के लिए, तो हम भी उनके साथ आ गए हैं। और गोल मार्केट के पास ही यहाँ पे एक स्कूल है जहाँ पे वोटिंग का कार्यक्रम चल रहा है। इस पापा और मैं अभी बैठे हैं और वोटिंग का कार्यक्रम तो चल रहा है, टाइम में लगेगा बहुत, शाम तो हो ही जाएगी। और सोचो अभी भी इतनी ठंडी है, सेक्टर एरिया में ठंडी तो इस टाइम भी रहती है बहुत, पर फिर भी मैं स्वेटर नहीं पहनूँ ऐसी। अब बस वेट कर रहे हैं हम लोग, 5 बजे तक तो रुकना ही पड़ेगा हमको लगता है। और मम्मी तो अपनी मौसी के साथ मेरी, और हाँ पता है आपको गाइस हमारी थर्ड नंबर की मौसी भी आएगी, मतलब सरिता मौसी, जिनके यहाँ हम लोग गए थे छठ पूजा में। अगर आपने वहाँ वाला व्लॉग नहीं देखा तो फटाफट से जाके देख लेना वो वाला व्लॉग भी। तो हमारी मौसी निर्जली खड़ी है और सीढ़ी छाप में, देखते हैं अगर मौसी जीतेगी तो पक्का आपको उसका रिजल्ट भी बताएंगे हम लोग। बस अभी तो इंतजार है वोटिंग का। वोटिंग जो है वो सेक्टर का है, इसलिए यहाँ पे शांत प्रिय माहौल है और उतना भीड़ नहीं है। आ रहे हैं, दे रहे हैं और जा रहे हैं बस। और अगर अब मैं आपको बताता हूँ मेन टॉपिक, कि अगर ये चुनाव दुर्ग में होता, जब हमारे दुर्ग में ये चुनाव होता है ना, तब आपको क्या ही बताऊँ मैं, मेला का माहौल बन जाता है। अभी वोट का काम चल ही रहा है और पापा मैं अभी घूम रहे हैं, और हमने अभी लंच भी कर लिया, पूरी सब्जी मजेदार, मटर की सब्जी, मटर आलू और पूड़ी, साथ में रसगुल्ला। अब जाके वोटिंग एंड हुआ है, 5 बज चुका है और वोटिंग एंड हो चुकी है। कुछ फॉर्म वॉर्म भरने के लिए अंदर जाना पड़ता है, तो मौसी हमारी अंदर जाएंगी
उसके बाद फिर हाँ फिर हम भी चलेंगे। फिलहाल अभी अपन है मौसी के घर में और मैं इतना गमछा वमछा क्यों बांध लिया होगा आपको लग रहा होगा, क्योंकि अभी बहुत ठंडी है, करीब -11 डिग्री सेल्सियस है अभी टेम्परेचर दुर्ग छत्तीसगढ़ का। मम्मी आपको क्या लगता है, जीतेगी? कैसा लगा आपको? बढ़िया। और ये देखिए हमारी मौसी, ऐसा लगा बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा लगा कि आगे चल के मेरी और बहनें भी खड़ी हो और एकदम डर जीते सारी बहन खड़े हो जाएगी तो पक्का। हाँ मम्मी पापा पिछली बार अगली बार मम्मी को खड़ा करवा देंगे। चुनाव बूथ में खड़े होने से क्या प्रभाव, आपको कैसा लगा प्रभाव, कुछ पढ़ा? अच्छा लगा। आपने कुछ सीखा? पहली बार मैंने मतलब इस तरह से सही तो पहली बार लाइन तक सब लोग मतलब वोटर बन के जाते थे। आज मतलब जो प्रत्याशी खड़ा हो उनके साथ खड़े तो इसका अनुभव बहुत पहला पहला एक्सपीरियंस था। ऐसा कभी आप पहली बार खड़ा नहीं हुआ, पता ही नहीं था कैसा लगता है। मस्त था, मेरे को तो पापा के साथ घूमने में मजा है, मैं कुछ नहीं कर रहा था। पहुंच गए यार घर। इन लोग को पता है, मैं आपको बताऊंगा गाइस, ये लोग सो रहे थे जब हम लोग घर आए, तब इन दोनों सो रहे थे, मम्मी इनको जगाई है। क्यों रे? और पता है खोल खाल के सो रही थी, गेट खुला है, अपना टीवी चल रहा है, ये सो रही है महान, इसको आग देख के पता चल रहा होगा आपको ये। और ये तो अभी भी लेटी ही है, नहीं उठेगी। क्यों नहीं उठेगी? नहीं उठेगी, नहीं उठेगी, नहीं उठेगी, गंदी बच्ची। तब तू उठी? मैं इसको फोन किया था तब ये उठी है, बताओ तब से सो रही थी, घर खोल के सो रही है, बताओ। ये फोन किया था ना तब उठाई थी, फिर उसके बाद थोड़ी देर और कोई आता घुस जाता, उसके बाद क्या करती थी? हाँ फोन उठाने, फोन बजने पे भी ना एक दो घंटे बाद उठाई तू। हम लोग भी बहुत देर तक खड़े थे, आप भी जानते हो, तो इन लोग को ले जाने का कोई मतलब नहीं होता, वेट करना पड़ा यार, मजा आया। लेकिन हम लोग को पहले लोग जाते थक भी जाते ना, थक जाते फिर कार हम लोग, अच्छा हुआ एक्टिवा लेके गए थे, वहाँ बहुत भीड़ था और कार भी खड़े करने की जगह नहीं था, तो फिर इन लोग को अकेले कार के पास बैठा भी नहीं सकते थे, और हमको पूरे टाइम मम्मी के साथ रहना था और मम्मी को रहना था पूरे टाइम मौसी के साथ, है ना मम्मी? और मौसी को तो सपोर्ट करना जरूरी था, क्योंकि हम लोग को इसीलिए तो गए थे हम लोग, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर, स्वीट होम। मजा आया, तो थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ मैं। चाय भी बन रहा है, गर्मा गर्म चाय, हम लोग बहुत ठंडी से आए, मजा आ गया था एकदम। फिलहाल अभी टाइम हो चुका है खाने का, तो मैं आपको दिखाता हूँ आज हमारे लिए खाने में क्या है। आज है खाने में पूड़ी और गोभी, मटर, आलू और क्या बोलते हैं मम्मी इस भाजी को, हाँ गोभी मटर आलू मेथी भाजी की सब्जी। तो चलो मैं इसको खाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। देखो ये कभी पढ़ती नहीं है दिन में, लेकिन अभी इसको पढ़ाई याद आ रही है। क्यों क्यों गंदी बच्ची? मैथ्स बना रही है। मैथ्स बनाएगी, कुछ आता नहीं देखो। चलो मैं खाता हूँ, खाने दे यार, खाने दे प्लीज। चलो तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए गुड बाय। और वीडियो को पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे हमारी न्यू व्लॉग आप तक पहुंच जाए, और सपोर्ट दिखाना प्लीज थोड़ा, है ना बेबी? आप भी बोल दो प्लीज गाइस, हमको सपोर्ट करो और थैंक यू। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए गुड बाय।